समाजवादी पार्टी के सांसद और दिग्गज नेता आजम खान की आज रामपुर कोर्ट में पेशी है। सीतापुर जेल से बाहर आते ही आजम खान ने कहा कि मेरे साथ आतंकवादियों वाला व्यवहार हो रहा है, इस सरकार ने मेरे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया है। आजम खान को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीतापुर से रामपुर कोर्ट के लिए लाया गया। रामपुर के एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा अब्दुल्ला आजम की पेशी है। सपा सांसद आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीमा फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन तीनों को रामपुर से सीतापुर जेल भेज दिया गया। कोर्ट से बगैर अनुमति लिए आजम परिवार को एक से दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाने को आधार बनाकर अब आजम के वकील ने अवमानना की याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने सपा सांसद आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रातों रात रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में शनिवार को ही सुनवाई है। आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने कोर्ट की बगैर अनुमति के जेल बदलने को अवमानना बताया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि जेल में यह फेरबदल राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ कुल 83 मुकदमे दर्ज है, जिनमें कुछ में आजम की पत्नी और उनके बेटे भी आरोपी हैं।